हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन फैसला आज हुड्डा को हटाने पर अड़ा शैलजा गुट तीन ऑब्जर्वर मोहर लगाएंगे दो नाम आगे चल रहे हरियाणा कांग्रेस को आज विधायक दल का नेता मिल जाएगा पार्टी ने इसे लेकर चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई है इस मीटिंग में हाईकमान की ओर से भेजे गए तीन ऑब्जर्वर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पार्टी के सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे इसमें ही विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगेगी इससे पहले हुड्डा ने दिल्ली में बुधवार को अपने समर्थक विधायकों की मीटिंग बुलाई थी इस मीटिंग में करीब 31 नेता पहुंचे थे सियासी गलियारों में इस मीटिंग को नेता विपक्ष के चुनाव से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है हालांकि मीटिंग के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने सफाई दी थी कि विधायक एक दूसरे से मिलना चाहते थे ये अनौपचारिक मुलाकात थी इसमें अच्छी चर्चा हुई सभी ने कहा कि हम हरियाणा और पार्टी के लिए लड़ेंगे मीटिंग में आए ये तीन ऑब्जर्वर कांग्रेस हाईकमान की ओर से बुलाई गई मीटिंग में ऑब्जर्वर के तौर पर तीन वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे इनमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं। ये ऑब्जर्वर मीटिंग में विधायकों से 1-to-1 राय शुमारी कर नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करेंगे ऑब्जर्वर्स को भेजने की वजह कांग्रेस की गुटबाजी को बताया जा रहा है इस मीटिंग में हुड्डा और शैलजा दोनों के समर्थक विधायक शामिल होंगे उनकी आपस में नाराजगी को दूर करने का भी कोई समाधान ऑब्जर्वर कर सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए चर्चा में दो नाम है नेता प्रतिपक्ष के लिए हुड्डा और शैलजा गुट से एक एक नाम की चर्चा है चूँकि शैलजा गुट की कोशिश है कि भूपेंद्र हुड्डा से नेता प्रतिपक्ष का पद लिया जाए इसलिए इन्हीं दोनों में से किसी एक को ये पद मिल सकता है इनमें अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन विश्नोई का नाम शामिल है दूसरा अशोक अरोड़ा ने इस बार थानेसर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है उन्होंने सैनी सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री रहे सुभाष सुधा को 3,243 वोटों से हराया है अशोक अरोड़ा हरियाणा में कैबिनेट मंत्री के अलावा विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार गैर चार्ट कार्ड खेलते हुए अशोक अरोड़ा पर दाव लगा सकती है पंजाबी समुदाय से आने वाले अशोक अरोड़ा लंबे समय तक इंडियन नेशनल लोकदल में रहे वो 14 साल तक INLD के प्रदेशाध्यक्ष रहे और 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे अरोड़ा की पंजाबी बिरादरी में अच्छी पकड़ है दूसरा चंद्रमोहन विश्नोई का नाम आगे करने से कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा गैर जाट तबके में मिल सकता है वो हरियाणा के डिप्टी सीएम रह चुके हैं उनके पिता चौधरी भजनलाल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं भजनलाल की ओबीसी और पंजाबी वोटरों पर अच्छी पकड़ थी जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है चंद्रमोहन का नाम आगे बढ़ाकर पार्टी गैर जाट वोटर्स को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है इस बार कांग्रेस को गैर जाट वोट कम मिले जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला इसके अलावा चंद्रमोहन की गिनती शैलजा के करीबी नेताओं में होती है चंद्रमोहन को लेकर फिलहाल शैलजा कुछ नहीं बोल रही लेकिन पार्टी की हार के बाद हाईकमान उनकी पसंद को तवज्जो दे सकती है हार से कांग्रेस में घमासान हुड्डा उदयभान पर इस्तीफे का दबाव हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है हुड्डा और शैलजा समर्थक लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया राहुल गांधी से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं इससे उदयभान पर प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने और भूपेंद्र हुड्डा पर नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा न जताने का दबाव बढ़ गया है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी शैलजा और हुड्डा गुट से दो नामों की चर्चा है उदयभान के पद छोड़ने के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है वो पहले भी ये पदभार संभाल चुकी है वहीं प्रदेशाध्यक्ष के लिए हुड्डा गुट से झज्जर की विधायक गीता भुक्कल के नाम की भी चर्चा है हुड्डा और शैलजा खेमे के क्या आरोप हैं तो बता दें हुड्डा खेमे की चुनाव आयोग से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत है उपेंद्र हुड्डा समर्थक हरियाणा में हुई हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं उनका दावा है कि प्रदेश में 20 सीटों की वोटिंग और मतगणना में गड़बड़ी हुई है प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने तो ईवीएम हैक करने के भी आरोप लगाए कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 7 सीटों की लिखित शिकायत सौंपी थी